केसरी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। फूलपुर सीट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब भी नाम हम याद करते हैं तो फूलपुर सीट का जिक्र होता है, लेकिन इस सीट की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहचान इस सीट को मिली उनकी वजह से, उसके बाद फूलपुर सीट की क्या पहचान आज तक बनी? क्योंकि एक मुद्दा यहाँ पर गोरक्षा को लेकर मैं जिक्र करूंगी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जिन्होंने इसी सीट से गोरक्षा को लेकर आवाज उठाई, और विपक्ष आपको लगातार घेरता है कि गोरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, जो आवाज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने उठाई वो आवाज कितनी बुलंद हो पाई? पहली बार तो मैं एबीपी गंगा का प्रयागराज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दूसरी बात, फूलपुर लोकसभा पहचान तो बनी है और पहचानी भी जाएगी। योगी और मोदी के राज में बहुत सारा विकास कार्य यहाँ पर हुआ, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे एयरपोर्ट का क्षेत्र हो, ये लोकसभा फूलपुर में ही आते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के डबल इंजन की सरकार निरंतर इस क्षेत्र में इतना बड़ा विकास कर रही है जिसको गिनाएंगे हम कई भाषा पर। जैसे एयरपोर्ट में बहुत जल्दी हमारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चलने वाली हैं और निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत अच्छा इसका मैसेज जा रहा है। रेलवे का स्ट्रक्चर जान लीजिए, बहुत जल्दी हम लोग ने यहाँ वंदे भारत जो कानपुर से दिल्ली जाती है वो प्रयागराज से आने या तक आ करके दिल्ली जाने के लिए कोशिश किया हमने, वो चल रहा है। जो पहले हमारी ट्रेनें 12 घंटे 11 घंटे में दिल्ली पहुंचाती थी, ये ट्रेन हमारी 8 घंटे में दिल्ली पहुंचाएगी वंदे भारत। अभी एक प्रयास और मेरा चल रहा है कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रयागराज से चल करके लखनऊ होते हुए गोरखपुर के लिए ये वंदे भारत ट्रेन के लिए कोशिश है, और वो भी उसका भी सर्वे चल रहा है। तो इस तरह अभी हमारा रेलवे में राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनने जा रहा है प्रयागराज में, तो बहुत सारे काम प्रयागराज में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं फूलपुर लोकसभा में। एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि आप महिला कल्याण निगम की उपाध्यक्ष भी हैं, 5 बार आप जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, राजनीति से इतर एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं महफूज हैं? क्या महिलाओं के लिए जो काम उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, बेटियों के लिए जो होना चाहिए, क्या आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है और करने की अभी जरूरत है, कहीं ना कहीं कमी बाकी है? देखिए, देश की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, उस आबादी के अनुसार योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, आबादी मान लिया कहीं कहीं तो दिक्कतें हैं, लेकिन उसे भी दूर करने का प्रयास पूरी तरह से सरकार कर रही है और हम ज़्यादातर संतुष्ट हैं। हम जैसे महिलाओं को जो गांव से निकल कर आए और इतना बड़ा काम करने का अवसर मिला, तो अब दिखता है वो हमारे सामने MLC बैठी हैं, अभी बनकर आई हैं, तो सरकार बहुत अच्छा मौका भी दे रही महिलाओं को काम करने का, और महिलाएँ काम भी कर रही बड़े उत्साह से, कड़ी मेहनत करके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।